नमस्कार। नर्सरी डेवलपमेंट में आगे हम देखते हैं ट्रांसप्लांट्स। तो ट्रांसप्लांट्स क्या होता है नर्सरी डेवलपमेंट में? नर्सरी में जो पौधे हम उगाते हैं, सीड से जो पौधे उगाते हैं क्यारियाँ बना के, तो उन पौधों को उस स्थान से निकाल कर दूसरे स्थान पर स्थापित करने को ट्रांसप्लांट कहते हैं। जो क्यारियाँ बनाते हैं और उसमें हम सीड्स सो कर देते हैं, सोइंग कर देते हैं, सोइंग के बाद जो छोटे छोटे से पौधे लग जाते हैं, जो मुश्किल से 3-4 पत्तियों वाले होते हैं, कॉटिलीडन्स बनने के बाद जो 3-4 लीफ आ जाती है उसके अंदर, उन पौधों को वहाँ से निकाल कर दूसरी जगह पर जब लगाया जाता है तो इसको हम कहते हैं ट्रांसप्लांट करना। तो ये जो ट्रांसप्लांट है, तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो पौधे स्थानांतरित किए जाते हैं प्लांटिंग के लिए, तो वो उपयुक्त ऊंचाई के हों और उनके अंदर सघन रूप से फाइब्रस रूट डेवलप हो गई हो। तो इस तरह के प्लांट्स जो मिलते हैं हमको, उनको हम ट्रांसप्लांट हम इस उद्देश्य से करते हैं कि थिक फाइब्रस रूट बन जाए वहाँ पर और पौधा उपयुक्त ऊंचाई का प्राप्त हो जाए, ताकि वो दूसरी जगह पर आसानी से सर्वाइव कर सके। तो इसको हम टू प्रिक आउट भी कहते हैं और टू लाइन आउट भी कहते हैं। ट्रांसप्लांटिंग के लिए उसका समय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम पौधों को जब उस एक जगह जो जहाँ पर वह स्थापित है वहाँ से जब हम उसको दूसरी जगह पर लगाते हैं, तो उसके लिए समय का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो उपयुक्त समय उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। लोकल वेदर कंडीशन को ध्यान में रख के ट्रांसप्लांट किया जाता है। ट्रांसप्लांट मुख्य रूप से रेनी सीज़न में ही किया जाता है। कभी कभी पौधों ट्रांसप्लांट जब हम करते हैं तो हम पौधों की प्रजाति पर निर्भर करता है कि वो प्रजाति किस सीज़न में आसानी से ग्रो होकर स्थापित, मतलब ग्रो तो हम पहले से नर्सरी में कर देते हैं उनको उचित कंडीशंस देकर। अब उन पौधों को जब हम बाहर ट्रांसप्लांट करते हैं, बाहर लगाते हैं, तो वो किस तरह से कौन सी सीज़न में उचित उनमें मैक्सिमम ग्रोथ होती है, तो उस सीज़न का ध्यान में रख के हम उनको ट्रांसप्लांट करते हैं। तो मुख्य रूप से रैनी सीज़न में जो हम वृक्षारोपण के कार्यक्रम करते हैं वो रैनी सीज़न में ही किए जाते हैं। तो रैनी सीज़न में, ऑटम या स्प्रिंग सीज़न में भी किया जा सकता है। तो उसके आधार पर हम इनको चार सीज़न में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जैसे कि रैनी सीज़न ट्रांसप्लांट, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से प्रभावित जो क्षेत्र है वहाँ पर साधारणतः ट्रांसप्लांट रेनी सीज़न में किया जाता है। और यह उस समय किया जाता है जब सॉइल, मतलब जैसे ऐसा नहीं है कि रेनी सीज़न स्टार्ट हो गई और हमने ट्रांसप्लांट कर दिया। यहाँ पर हमको क्या ध्यान में रखना होता है कि मिट्टी जो है, सॉइल, वहाँ की उस जगह की सॉइल जहाँ पर हमको पौधे को ट्रांसप्लांट करना है, सीडलिंग्स को, तो वो सॉइल लगभग 30 सेंटीमीटर गहराई तक गीली हो गई हो, मतलब वहाँ पर इतनी बारिश हो गई हो, इतनी रेन हो गई हो कि वहाँ की जो सॉइल है जहाँ पर हमको पौधा ट्रांसप्लांट करना है वो लगभग 30 सेंटीमीटर गहराई तक गीली हो गई हो। और ये जनरली हमारे यहाँ की सीज़न में जनरली ये जुलाई के अंत में या अगस्त के प्रथम सप्ताह में हो जाता है। तो उस समय हम इनको ट्रांसप्लांट कर देते हैं ताकि पौधे को पर्याप्त नमी, सीडलिंग्स का विकास पर्याप्त रूप से हो सके, उसको पर्याप्त नमी मिल सके और सीडलिंग के विकास पर किसी तरह का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। मानसून पूर्व ट्रांसप्लांट, मतलब मानसून आने के पहले ही हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं, तो ये उस कंडीशन में करते हैं जिन स्थानों पर या तो सिंचाई संभव है या फिर ग्रीष्म ऋतु, जब गर्मी की मौसम ख़त्म होती है या गर्मी के मौसम के एंड में ही वहाँ पर बारिश हो जाती है, वर्षा हो जाती है, तो वहाँ पर रेनी सीज़न के पूर्व ही हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं। विंटर सीज़न ट्रांसप्लांट, तो यहाँ पर कुछ पर्वतीय प्रजातियाँ हैं, जैसे वहाँ पर हिमपात शुरू होने से पूर्व शीत ऋतु में ही ट्रांसप्लांट किया जाता है, ताकि जैसे कि जो एग्जांपल है पर्वतीय क्षेत्रों में अखरोट, ऐश इत्यादि पौधों की, इनकी लीफ जो है, ब्रॉड लीफ वाली जो स्पीसीज़ हैं उनको उस समय ट्रांसप्लांट किया जाता है जब उनके अंदर लीफ एक भी डेवलप नहीं हुई हो, उस समय इनको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। वहाँ पर हिमपात होने के पहले ही इनको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। फिर आते हैं हम स्प्रिंग सीज़न,
ट्रांसप्लांट तो जिन स्थानों पर दक्षिण पश्चिम मानसून नहीं पहुंचती है वहां पर कॉनिफर्स को स्प्रिंग सीजन में ही ट्रांसप्लांट किया जाता है। अब जो ट्रांसप्लांट की जो हम करते हैं तो जो समय है वो किस तरह से, मतलब सीडलिंग की क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं ट्रांसप्लांट की, वो इस प्रकार हैं कि कंडीशंस किस तरह की होना चाहिए। तो ट्रांसप्लांट सामान्यतया नर्सरी की अन्य क्यारियों में इस कार्य के लिए आरक्षित रखी जाती है। मतलब क्या, हमने पहले तो नर्सरी में सीड सोइंग कर दी, उससे हमने प्लांट्स छोटे छोटे से प्लांट्स तैयार कर लिए। अब उन प्लांट्स को, क्योंकि उनकी हम सीडिंग जो करते हैं वो इतनी सघनता से करते हैं कि वहाँ पर सारे प्लांट अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो सकते हैं, तब हमको क्या करना होता है कि पहले तो हमने उनको सोइंग करके मतलब ग्रो कर लिया, जर्मिनेट कर लिया। अब जर्मिनेशन के बाद जब उनके अंदर कॉटिलीडनरी लीफ आ गई और उसके बाद 2-3 लीफ और आ गई, तब हम उनको उन पौधों को वहाँ से उनकी सघनता को कम करने के लिए वहाँ से हम उनकी सघनता कम कर देते हैं और उन पौधों को धीरे से वहाँ से निकालते हैं कि किसी तरह से उनकी रूट में किसी प्रकार की क्षति ना हो। और तो उसके लिए हम पहले से ही नर्सरी में अन्य क्यारियों को तैयार कर लेते हैं। उन क्यारियों के अंदर हम प्रॉपर मॉइस्चर और फर्टिलाइज़र और यदि हुआ तो पेस्टिसाइड, ये सब का छिड़काव करके क्यारियों को पहले से ही तैयार कर लिया जाता है। और उनके अंदर ट्रेंच और रिजेस और ग्रूव ट्रेंच बना दी जाती हैं और फिर इस तरह से वो रिजेस बना ग्रूव बना दी जाती हैं। और फिर जब हम उस पौधे को निकालते हैं, सीडलिंग्स को, तब वहाँ पर उसको प्लांटिंग किया जाता है। ये कार्य आजकल जो है वो पॉलीथीन बैग्स में भी किया जाता है या फिर किसी और तरह के कंटेनर में भी किया जाता है। तो ट्रांसप्लांटिंग के लिए सर्वप्रथम हम पौधे को क्यारी में से निकालते हैं और ये कार्य इस तरह से किया जाना चाहिए कि सीडलिंग्स की जो रूट है उनमें किसी प्रकार की क्षति ना हो। अब ये हम कब करेंगे कि सीडलिंग्स की रूट में किसी प्रकार की क्षति ना हो, तो रूट यदि बहुत अधिक गहरी हो जाएगी तो हमको निकालने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो हम क्या करते हैं, जब पौधा लगभग 10 सेंटीमीटर के लगभग हो जाता है तो और उसमें 3 से 4 मतलब कॉटिलीडन्स लीफ के अलावा 3 से 4 लीफ आ जाती है, तब उनके अंदर तब उन पौधों को हम वहाँ से निकालते हैं और उनको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। ट्रांसप्लांटिंग के समय पौधे की जो प्रजाति है वो आयु, अवस्था और प्रतिरोपित दशाओं पे निर्भर करती है ट्रांसप्लांटिंग। सामान्यतः सीडलिंग्स जो है वो छोटे होने पर ट्रांसप्लांटिंग करने में आसानी होती है ताकि वो नए स्थान पर आसानी से स्थापित हो सके। ट्रांसप्लांटिंग जो है, हमको जो कंडीशंस हैं ट्रांसप्लांटिंग की वो ये सारी हैं कि ज़्यादातर हमको शाम के समय सायंकाल में ही करना चाहिए ताकि रात्रि के ठंडे वातावरण में सीडलिंग वहाँ पर उस नई जगह पर आसानी से स्थापित हो सके। ट्रांसप्लांटिंग के लिए अब किस तरह से करना है, ये सारी कंडीशंस को हमने ध्यान में रखते हुए कि पौधे को आसानी से निकाला है, शाम के समय ही करना है और सीडलिंग्स 3 से 4 लीव्स के ही होना चाहिए, और ये सारी जब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सीडलिंग्स को जब निकाल लिया जाता है तब हमको क्या किस तरह से उनकी ट्रांसप्लांटिंग करनी होती है। तो ट्रांसप्लांटिंग के लिए क्यारियों में एक किनारे से कुछ दूरी पर 5 सेंटीमीटर चौड़ी ट्रेंच बना ली जाती है और इसकी गहराई उतनी होनी चाहिए कि सीडलिंग्स की रूट जो है वो बिना मुड़े उस ट्रेंच में लटक सके। प्रत्येक ग्रू में सीडलिंग्स को इस प्रकार से खड़ा किया जाता है कि उसकी जड़ें जो है वो ट्रेंच में लटकी हो तथा कॉलर जो है मतलब मूल संधि क्यारी की तल से कुछ ऊपर हो, और ट्रेंच को फिर इस तरह से हम उनको ट्रेंच में जो सीडलिंग्स हैं उनको लगा देते हैं। और उसके बाद सीडलिंग्स को इस तरह से लगा के यहाँ पर कुछ ट्रांसप्लांट प्लेट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है जिसके अंदर ऐसे स्क्वायर खाने बने हुए होते हैं जिसके अंदर हम पौधे को आसानी से ऐसे रख देते हैं और फिर ट्रेंच को जब सॉइल से भर देते हैं उसके बाद उस प्लेट को उठा लिया जाता है। तो ये जो है ट्रेंच, इनको हम उसके बाद क्या करते हैं, सॉइल से जब पौधे को उसके अंदर लगा दिया, रूट उसके अंदर ट्रेंच में लटकी हुई है और ट्रेंच को सॉइल से भर दिया जाता है, और उसके बाद उसको फुहारे से हम पानी दे देते हैं ताकि, और सॉइल को थोड़ा सा दबा भी दिया जाता है और फुहारे से पानी दे दिया जाता है ताकि सॉइल जो है वो बैठ जाए और रूट उसको आसानी उसको पकड़ ले अच्छी तरह से,
ताकि सीडलिंग्स वहाँ पर आसानी से स्थापित हो जाए। फिर वृक्ष प्रजातियाँ जो है, जो वृक्ष प्रजातियाँ हैं उनके अंदर जैसे देवदार, फर, स्प्रूस, कैज्यूराइना इत्यादि के अंदर ट्रांसप्लांट के बाद पौधे को उचित ऊंचाई प्राप्त न कर लेता है तब तक 2 से 3 बार भी हमको ट्रांसप्लांट करना होता है। जब इस प्रकार के पौधों को सड़क के साइड में, जब रोड की दोनों तरफ लगाए जाते हैं इस प्रकार के पौधे को, या गार्डन में लगाया जाता है इनको, तब इस जो वृक्ष प्रजाति के पौधे हैं ये एक बार वहाँ पर हम सीड सोइंग के बाद क्यारियों से निकाल कर ट्रांसप्लांट कर लेते हैं। ट्रांसप्लांट करने के बाद उस क्यारी में भी वो प्रॉपर उतना फर्टिलाइज़र और वो सारा नहीं मिलने के कारण उस क्यारी से भी हमको निकाल कर दूसरी जगह पर एक बार और ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। इस प्रकार से जो देवदार, फर, स्प्रूस इस तरह के जो पौधे हैं इनको हमको 2 से 3 बार भी, मतलब जब तक वो उचित ऊंचाई के ट्रांसप्लांट के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाते, उचित ऊंचाई प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हमको उसको 2 या 3 बार ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। तो ट्रांसप्लांटिंग, अब जब ट्रांसप्लांटिंग हम करते हैं जिस क्यारी में, तो उन क्यारियों के अंदर उसी प्रकार फर्टिलाइज़र डाले जाते हैं, सिंचाई की जाती है, निराई की जाती है, जैसा कि हम सीड सोइंग के अंदर करते हैं। तो इस प्रकार से हम क्यारियों के अंदर फर्टिलाइज़र भी प्रॉपर रखा जाता है ताकि जो ट्रांसप्लांट करके जो पौधा, जो सीडलिंग्स हम वहाँ पर लगाते हैं वो आसानी से स्थापित हो सके और उसकी ग्रोथ आसानी से हो सके। अब ट्रांसप्लांटिंग के लिए हम कई बार, जैसे ये तो हम डायरेक्ट क्यारी में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं या फिर उस स्थान पर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं जहाँ पर हमको पौधा लगाना है। इसके बाद हम कभी कभी, अब क्या होता है कि ये सारी चीज़ें, इसमें कई बार पौधे को काफ़ी क्षति हो जाती है और मर भी जाते हैं पौधे। उस स्थिति में हम कई बार, अब आजकल कंटेनर्स का उपयोग होने लगा है, तो नर्सरी में जो पौधे को तैयार कर लिया जाता है उनको क्यारियों से निकाल कर रोपवन तक ले जाने के लिए या उस प्रॉपर जगह पर ले जाने के लिए जहाँ पर प्लांटिंग स्थल तक ले जाने के लिए हम कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं। तो कंटेनर में मुख्य रूप से हम दोना और मॉसेस फाइबर्स के कंटेनर, टोकरियाँ, ट्यूब्स, पॉलीथीन बैग्स इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं। तो कंटेनर में हम क्या करते हैं कि जब हम प्लांटिंग स्थल तक उनको ले जाते हैं, क्यारियों में से निकाल कर प्लांटिंग स्थल तक जब ले जाते हैं, तब रूट की क्षति होती है और उनके रूट के फंक्शन में विघ्न पड़ता है। तो और उससे क्या होता है कि कई बार प्लांट्स की मृत्यु भी हो जाती है और कुछ प्रजातियों को इस प्रकार से उखाड़ा जाना सहन नहीं कर पाती है और प्लांट्स मर जाते हैं और उनकी वृद्धि पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इस कारण से इन प्रजातियों को हम कंटेनर में उगाकर और प्रॉपर प्लांटिंग स्थल तक ले जाते हैं। तो उसके अंदर जो है, सबसे पहले हम दोना, तो दोना किस प्रकार से बनाया जाता है, तो ये सबसे सस्ते प्रकार के कंटेनर होते हैं क्योंकि वनों में जो ब्रॉड लीफ वाले प्लांट्स होते हैं जैसे कि साल है, बरगद है, डायोस्पाइरस है, इनकी लीफ का उपयोग किया जाता है और या फिर कई बेल या वृक्ष के पत्तों को लिया जाता है और उनसे दोने बनाए जाते हैं। अब इन दोनों के अंदर नर्सरी से सॉइल भर ली जाती है और जर्मिनेटेड सीड को दबा दिया जाता है और उसको उसके अंदर ग्रो होने दिया जाता है। नर्सरी से सॉइल ली जाती है मतलब कि उसके अंदर प्रॉपर फर्टिलाइज़र है, प्रॉपर मॉइस्चर है, वो सारी चीज़ें जो एक नर्सरी की सॉइल में पाई जाती हैं। इसके बाद जो दूसरा है वो है मॉस या फाइबर्स के कंटेनर। तो यहाँ पर पौधों की जड़ों को चारों ओर से हम थोड़ी मिट्टी, जैसे जो क्यारियों से पौधे उखाड़े जाते हैं उनकी जड़ों को चारों ओर से मिट्टी लगा के सीडलिंग्स को, जो चारों ओर से थोड़ी मिट्टी लगा के सीडलिंग्स को मॉसेस से लपेट देते हैं या फिर फाइबर से उनको लपेट दिया जाता है और सुरक्षित कर दिया जाता है और इस तरह से उनको भंडारण कर लिया जाता है, स्टोरेज कर लिया जाता है। टोकरियाँ, बांस की टोकरियों का उपयोग किया जाता है, उसके अंदर भी हम नर्सरी की मिट्टी डालते हैं। ट्यूब्स, बांस के या टीन के या भोजपत्र आदि की नलियों को कंटेनर के रूप में प्रयोग किया जाता है और उसके अंदर पौधों को मिट्टी डाली जाती है नर्सरी की विथ फर्टिलाइज़र के साथ वाली, और उनके अंदर हम पौधों को ट्रांसप्लांट करते हैं पौधों को। कभी कभी हम गमले में, मिट्टी के गमलों में भी
इस तरह से ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, लेकिन ये मेथड जो है गमलों में ट्रांसप्लांट करने की, कि ये गमले, मिट्टी के गमले काफ़ी महंगे होते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में इनमें क्षति हो जाती है, टूट जाते हैं, जिससे पौधों को भी नुकसान होने की संभावना होती है। जो सबसे आजकल चलन में है वो पॉलीथीन बैग्स हैं। तो पॉलीथीन की काली और सफ़ेद थैलियाँ बैग्स को कंटेनर के रूप में काम में लाई जाती हैं, और इनके अंदर प्रॉपर एरेशन और जल निकासी अच्छी हो, इसके लिए इसके अंदर छोटे छोटे से छेद कर दिए जाते हैं। ये बैग हल्के और मजबूत होते हैं और इनमें एक भाग, अब इन बैग में हम मिट्टी किस तरह से भरते हैं, तो एक भाग साफ रेत भर दी जाती है, एक भाग नर्सरी सॉइल होती है, और एक भाग में बारीक छनी हुई और पूरी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद मिला दी जाती है। इस तरह से तीन भाग हम ये तैयार कर लेते हैं और इनको अच्छी तरह से मिक्स करके और इन पॉलीथीन में भर दिया जाता है, और फिर इनको नर्सरी में हम कतारों में रख देते हैं, और बीजों को या तो हम इसमें या तो डायरेक्ट बीज को बो दिया जाता है, या फिर इसके अंदर हम जो सीडलिंग्स नर्सरी की क्यारियों में तैयार किए थे उन सीडलिंग्स को यहाँ पर इन पॉलीथीन बैग्स में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, और इन पॉलीथीन बैग में प्रॉपर सिंचाई की जाती है ताकि पौधे का विकास आसानी से हो सके। इसके बाद ट्रांसप्लांटिंग के जो लाभ है, कि हम पौधों का जो ट्रांसप्लांट करते हैं उससे हमको क्या लाभ है, डायरेक्ट भी हम क्यारी से निकाल कर पौधे को लगा सकते हैं, लेकिन पौधा जब उचित ऊंचाई प्राप्त नहीं कर पाता है तब वो अच्छी तरह से नई जगह पर स्थापित नहीं हो पाता है, तो उस कारण से हमको ट्रांसप्लांट करना, पौधे को ट्रांसप्लांट करना चाहिए, ताकि हमको एक उसके जो लाभ हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि बीज की बचत होती है, क्योंकि सोइंग करने में क्या होता है कि काफ़ी सारे बीज ऐसे होते हैं जो, मतलब जैसे हमने काफ़ी कंडेंस इस जगह पर डाल दिए हैं, या फिर कई बार क्या होता है कि बीज जर्मिनेट ही नहीं हो पाते, उचित वातावरण नहीं मिल पाने के कारण, तो उस स्थिति में बीज की बचत होती है और धीरे वृद्धि करने वाले पौधों की उचित देखभाल की जा सकती है। ट्रांसप्लांटिंग के समय जड़ों की काटछाट हो जाने के कारण पौधे में कई छोटी छोटी शाखाओं वाली जड़ें विकसित हो जाती हैं। ऐसे पौधे खेत में रोपे जाने पर जब अच्छी तरह से स्थापित हो जाते हैं, क्योंकि ट्रांसप्लांटिंग किए जाने वाले वानिकी पौधों की जड़ें मिट्टी में ऐसी पिंड बनाती हैं, पिंड में बंधी हुई रहती हैं। फिर ट्रांसप्लांटिंग द्वारा वानिकी पौधों को प्रतिकूल मौसम में भी उगाया जा सकता है, क्योंकि हम वहाँ पर नर्सरी में उनको का बड़ा कर लेते हैं ताकि वो आसानी से स्थापित हो सके दूसरी जगह पर कहीं भी। तो प्रतिकूल मौसम में भी यदि हम सिंचाई की सारी समुचित फर्टिलाइज़र और सिंचाई और ये सारी व्यवस्थाएं रखें तो पौधा प्रतिकूल मौसम में भी उग सकते हैं। प्रतिरोपण द्वारा बढ़िया पौध उचित दूरी पर लगाई जा सकती है और रोगों और जो प्लांट्स हैं उनको कीटों से और रोगों से उनकी सुरक्षा की जा सकती है। पपड़ी जलने वाली जो मिट्टी, जिन पर पपड़ी जम जाती है, भारी मिट्टी में प्रतिरोपण द्वारा छोटे बीज वाले पौधों को सीधे खेत में बोने के फलस्वरूप हानि से बचाया जा सकता है। फिर मतलब यदि मिट्टी जम जाती है तो जो सीडलिंग्स ग्रो हो गए, यंग सीडलिंग्स हैं, वो मर भी सकते हैं। तो इस प्रकार से सीडलिंग कि जो छोटे बीज वाले जो पौधे हैं उनकी हानि होने से बचाया जा सकता है। फिर वानिकी पौधों को जितना शीघ्र प्रतिरोपित किया जाता है उतनी सुगमता से वो आसानी से ट्रांसप्लांट के फलस्वरूप होने वाली क्षति को सहन कर लेते हैं। हानियां जो हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि उत्पादन खर्च में वृद्धि हो जाती है और परिपक्वता में देरी हो जाती है। इसके बाद हमको क्या क्या सावधानियाँ रखनी होती है नर्सरी में, पौधों को नर्सरी से इस प्रकार निकालें कि कम से कम क्षति हो, और पौधों को निकालने से पहले ही हमको जहाँ पर उनका ट्रांसप्लांट करना है वहाँ पर क्यारी, मतलब जब जहाँ से हम जिस क्यारी से पौधे को निकालते हैं वहाँ पर हमको पहले से उस क्यारी में सिंचाई कर देनी चाहिए, ताकि थोड़ा सा पौधे की रूट्स जो है वो मिट्टी को छोड़ सके और जिससे कि पौधे को हम आसानी से निकाल सके, तो प्रतिरोपण में अधिक सफलता मिल सके, और कभी कभी नर्सरी में आवश्यकता से अधिक पौधे नहीं निकालने चाहिए। फिर पौधे निकालने के बाद उसे गीले कपड़े में या बोरी से ढककर छाया में रखें ताकि पानी का जो है वो वाष्पीकरण कम से कम हो।
पौधों की जड़ों के चारों ओर मिट्टी को अच्छी तरह से दबा देना चाहिए ताकि पौधा मिट्टी के संपर्क में आ जाए, और पौधे पर नीचे की ओर दबाव डालना चाहिए जिससे कि जो मिट्टी है वो रूट सिस्टम के चारों ओर भली प्रकार से दब जाती है और रूट को चारों ओर से खाली या रिक्त स्थान नहीं रह जाए, जिससे कि अनावश्यक रूप से जो पानी इकट्ठा हो जाए या फिर प्रॉपर एरेशन ना हो सके, इस तरह की व्यवस्था का ध्यान रखना पड़ता है। कभी कभी वाष्पीकरण को रोकने के लिए जो सीडलिंग्स हैं उनका प्लांटिंग के समय कुछ पत्तियां कम कर दी जाती हैं, जिससे कि जड़ों के द्वारा जो सोखे जाने वाला पानी है वो पत्तियों के वाष्पित होने से के बीच में उनके अंदर संतुलन बना रहे। पौधे की जड़ों को किसी बर्तन में जल में डुबोकर रखना चाहिए ताकि पौधा जल्दी से मुरझाए नहीं। फिर प्रतिरोपण के बाद, मतलब जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो हमको खेतों का निरीक्षण करना चाहिए ताकि ये ध्यान में रहे कि पौधा प्रॉपर रूप से स्थापित हो रहा है या नहीं, या उसको पानी की ज़रूरत है या किस चीज़ की ज़रूरत है। नियमित रूप से यदि सर्वे किया जाए तो निरीक्षण किया जाए तो ये सारी चीज़ें हमको पता चल सकती है। और यदि ट्रांसप्लांटिंग के बाद वो पौधा वहाँ पर मुरझा जाता है या मर जाता है तो उसकी जगह पर हम उसके स्थान पर दूसरा पौधा भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये ट्रांसप्लांट नर्सरी से पौधों का ट्रांसप्लांटिंग किया जा सकता है और एक अच्छी डिसीज़ फ्री प्लांट्स को तैयार किया जा सकता है। धन्यवाद।